नमस्कार दोस्तों, अमित इलेक्ट्रॉनिक हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे, जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये कैसे चलता है और क्या क्या इसमें चेक होता है। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, ये जैसे दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है इस पर, तो ये कौन सी जगह पे क्या काम करता है, आज इसी के बारे में जानेंगे कि कहाँ और कैसे काम करता है। तो ये देखिए, हमारा जो है ये सिंबल बना हुआ है। इस समय हमारा डिजिटल मल्टीमीटर ऑफ है और ये रहा उसका केबल, जो प्लस और माइनस यानी लाल और काले के कलर के तार में है। यहाँ हम जो है, जो हमारा सिंबल बना हुआ है, इस पे हम पेन से या मार्कर से निशान लगा लेंगे, ताकि ये जहाँ पर हम घुमाकर सेट करेंगे आप लोगों को दिखाई दे। तो इस पर जो है देखिए, ये सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, इसको हम मार्कर पेन से, यहाँ जो निशान बना हुआ है इसको यहाँ पे थोड़ा लगा लेंगे, इस गड्ढे में जो गड्ढे का निशान बना हुआ है तीर का, इसको यहाँ कलर कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कलर हो गया। अब ये दिखाई देगा अच्छे से कि ये कहाँ पर सेट है। तो इस समय देखिए दोस्तों, ये ऑफ पर सेट है। तो इस केबल को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, इसको हमने यहाँ सीधा कर लिया। और इसको कहाँ पर लगाएंगे, तो ये देखिए जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर पे यहाँ दिया है COM, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये यहाँ पे फिट होगा, इसमें इस तरह से इसमें लगा दिया जाएगा। और जो हमारा ये 1 2 3 पॉइंट है, तो ये जो बीच वाले पॉइंट में ये लगेगा। तो यहाँ हमने इसको लगा दिया। अब हमको देखिए कहाँ चेक करना है। तो ये जो हमारा V बना हुआ है बोल्ट, बैटरी यानी DC वोल्ट चेक करने के लिए, देखिए यहाँ सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जो 1000 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 1000 वोल्ट अगर हमारा जो सप्लाई, हम यानी जो करंट चेक करने वाले हैं DC, 1000 वोल्ट के अंदर में होगा तो यहाँ चेक करेंगे, और अगर उससे कम होगा तो 200, फिर यहाँ 20 दिया हुआ है, फिर यहाँ तो 2000 AM दिया हुआ है और 200 AM है। तो जैसे हमें मोबाइल फोन की बैटरी चेक करना हुआ, तो उसको हम, वो हमारे 5 वोल्ट के अंदर में आती है, तो यहाँ हम 20 पर सेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमने 20 नंबर पर सेट कर लिया। उसके बाद एक मोबाइल की बैटरी लेते हैं। तो एक हमने मोबाइल फ़ोन की बैटरी ले ली, Nokia 5C के। तो इस पर हम चेक करेंगे। तो ये हमारा जो इस साइड प्लस पॉइंट है और इधर माइनस पॉइंट है, तो यहाँ हमने प्लस पर रखा एक और एक यहाँ माइनस पर। तो देखिए हमारा सप्लाई बैटरी हमारी चार्ज है। देखिए यहाँ 4 वोल्ट पूरा बता रही है। देखिए बैटरी हमारी 4 वोल्ट यहाँ बता रही है। अब इससे ऊपर की बैटरी अगर हम 12 वोल्ट चेक करते हैं, तो 12 वोल्ट को भी इसी 20 पर चेक करना है। तो हमारे पास एक बाइक की बैटरी है और उसको हम चेक करेंगे। देखिए ये हमारी बाइक की बैटरी है और यहाँ सिंबल बना हुआ है, ये प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे एक माइनस पॉइंट और एक प्लस पे रखेंगे। तो देखिए ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है और 12 वोल्ट के करीब बता रही है। देखिए इसमें अभी 11.88 बता रही है। तो देखिए बैटरी हमारी यहाँ चार्ज है, हमने 20 पर ही रखा इसको। अगर 20 वोल्ट से ऊपर हमको वोल्टेज चेक करना है, तो उसको हम यहाँ 200 पर कर लेंगे, उससे अधिक करना है तो 1000 पर कर लेंगे। तो 20 पर हम 20 वोल्ट के अंदर तक DC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ, तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया 12 वोल्ट बैटरी को। अब इसके बाद ये हो गया DC सेक्शन हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये DC हो गया।
अब इसको हम यहाँ से घुमाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है हमारा, यहाँ ये देखिए रजिस्टर, ये रजिस्टर चेक करने का सेक्शन है जो रेड कलर का यहाँ से दिया हुआ है, रजिस्टर चेक होगा इसमें। तो रजिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 2000 के, तो यहाँ दिया हुआ है 2000 के। अगर हमें 2000 के अंदर में चेक करना तो यहाँ चेक करेंगे, और 200 के यहाँ पे 200 के यानी यहाँ 20 के। अगर हमारा रजिस्टेंस 20 के से ऊपर आता है तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर 200 के से भी ऊपर आता है फिर इस पर इसको यहाँ पर सेट करके यहाँ चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मान लीजिए 200, अब 200 पर अगर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस तरह से, 200 पर हमने सेट कर लिया। अब हमें अगर रजिस्टर चेक करना है तो इस पर देखिए अब हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, हमने सेट किया है 200 ओम पर। तो देखिए ये 200 ओम पर अगर सेट करेंगे आप तो 200 के अंदर जितना ओम्स का रेजिस्टेंस होगा वो बताएगा, अगर 200 से ऊपर का रेजिस्टेंस हमारा है तो रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। उसको हम यहाँ पे फिर सेट कर लेंगे। ये हमारा देखिए ओम्स का निशान बना हुआ है, सिंबल बना के दिया है यहाँ देखिए। तो यहाँ पर हम ओम्स चेक करेंगे रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे 20 के यानी 20 के, तो 20 के देखिए यहाँ पे है, तो 20 के अंदर में जितना रहेगा 20 के अंदर में ही रजिस्टर को चेक करेंगे। अगर उससे ऊपर का है तो इस पर नहीं होगा, फिर यहाँ 200 के है, फिर 2000 के है, तो इस तरह से रजिस्टर यहाँ चेक होगा। तो जैसे मान लीजिए एक रजिस्टेंस हमने ले लिया और चेक करने के लिए, तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर लगा ले रहे हैं और एक यहाँ लगा ले रहे हैं, तो देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, देखिए कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे कि इसको हमें 200 से आगे कर लेंगे थोड़ा सा, तब भी देखिए कुछ नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये रेजिस्टेंस ओम्स में नहीं है, ये के में है। तो हम यहाँ 20 के पर सेट करेंगे, और देखिए 20 के पर भी कुछ नहीं बता रहा है। अब यहाँ 200 के पे सेट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रीडिंग आ गई हमारी, तो यहाँ देखिए रीडिंग आ गई, तो ये रजिस्टर है 68 के का, तो ये 68 के का है देखिए यहाँ पे, तो 68 के का रजिस्टेंस है ये। तो इस तरह से रजिस्टर चेक होगा, जो के में होगा तो के ही सेक्शन में काम करेगा, और जो ओम्स में होगा तो ओम्स में काम करेगा। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर। अब देखिए इसको यहाँ से सेक्शन, अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा चेक हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे जो सिंबल बना है यानी बजर मोड, जिस पे बजर हमारा सीटी देता है, यानी सीटी जो हॉर्न बजता है इसमें सीटी की तरह से, वो ये हमारा कंटिन्यूटी कह लीजिए या बजर मोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बजर पर हमने सेट कर लिया है इसको, यहाँ पे बजर सेट होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या चेक होता है दोस्तों, जैसे इस पर हमारा मान लीजिए डायोड भी चेक होता है, तो डायोड हमने ले लिया, ये देखिए 4007 का डायोड है, तो ये देखिए ये चार्जर की सप्लाई पर भी लगा होता है, और जितने बिजली से सप्लाई होती हैं सप्लाइयों पर लगा होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसका काम ये है कि एक तरफ से बिजली को जाने देता है और एक तरफ से नहीं जाने देता है। तो इसको देखिए अगर ये शॉर्ट रहेगा, ख़राब रहेगा हमारा, तो ख़राब में यहाँ देखिए दो तरीके का ख़राब होता है। एक तो ख़राब होगा अगर फट गया, तो मान लीजिए ऐसे ही देखने में लगेगा कि ख़राब हो गया है, फट गया है। अगर नहीं फटा हुआ है तो इसमें एक साइड से बीप आएगी, यहाँ पे एक साइड से हमारा बजर बजेगा, और दूसरे साइड जब चेक करेंगे तो दूसरे साइड का भी बजेगा। इस तरह से शॉर्ट होता है, एक इस तरह से शॉर्ट होता है कि दोनों तरफ ही नहीं चलेगा, दोनों तरफ से आप इसको इधर बदल के इसको इधर बदल के देखेंगे इस तरह से, तब भी नहीं बजर आएगा, तब भी उस स्थिति में भी ख़राब होता है। और इस स्थिति में भी ख़राब होता है कि दोनों साइड बजर आएगा, हमारा बजर बजेगा। तो देखिए यहाँ हम
देखिए चेक कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए रेटिंग हमारी आ रही है 538, और इसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा डायोड सही है। अब देखिए इसी में का ये डायोड 6 एम्पियर जो 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए जो ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर या और भी एम्पियर उसमें ये देखिए डायोड लगता है 6 एम्पियर 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए। वैसे तो और भी डायोड होते हैं जो जैसे धीरे या बैटरी छोटी बड़ी होती है उस हिसाब से लगता है, तो ये 6 एम्पियर हमारा डायोड ये भी है। अब आप इसमें देख लीजिए कि हमारा प्लस किधर है और माइनस किधर है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये हमारा देखिए जो हमारा इस साइड देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है, ये हमारा माइनस पॉइंट है, और जो इस साइड प्लस का सिंबल होता है इधर इधर देखिए जो हमारा सफ़ेद कलर का वाइट कलर का जो ये लकीर है साइड में, इस साइड प्लस हमारा होता है और इस साइड माइनस होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो दोनों साइड शॉर्ट बताएगा, दोनों साइड से हमारा बजर बजेगा इस डिजिटल मल्टीमीटर का। तो इसको भी यहाँ से ऐसे चेक किया जाता है, यहाँ देखिए यहाँ हमने माइनस रख लिया और यहाँ प्लस रख लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए हमारा बीप आ रहा है, बीप नहीं आ रहा है हमारा, देखिए बता रहा है 568 यानी 6 एम्पियर डायोड है ये। तो अगर ये ख़राब रहेगा दोनों तरफ से ये शॉर्टिंग बताएगा, शॉर्ट अगर होगा तो दोनों तरफ से हमारा बजर बजेगा और यहाँ पे भी दिखाएगा मीटर में भी। तो ये हमारा डायोड हो गया, तो इसको हम अब साइड में रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे तार हो गया, अब हम एक तार ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा तार हो गया, ये तार हमारा है। अब इस तार को हमें चेक करना है, तो तार को हम कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिरा यहाँ से लगा लेंगे एक सिरा यहाँ से, अगर हमारा तार सही है तो इस पे बजर बजेगा, इस पे बीप आएगी, अगर हमारा तार नहीं सही है तो नहीं आएगी, क्योंकि एक साइड यहाँ रखेंगे एक साइड यहाँ तो नहीं आएगी। और अगर तार बड़ा है जैसे मान लीजिए बिजली का वायर कोई है, तो वो अगर बड़ा तार है तो उसमें अगर नहीं पी पा रहे तो उसको हम काट कर भी चेक कर सकते हैं, जैसे काट लेंगे जितना हमारा सही रहेगा उतना हम लगा सकते हैं, और ज़्यादा ख़राब निकला तो फिर ज़्यादा जोड़ होगा उससे कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको काट के हम चेक कर लेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा तार हो गया, अब हम यहाँ से इसको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने एक पॉइंट इस पर रख लिया और इस पर रख लिया, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस पर हम एक 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 सिरा इसका यहाँ लगा लिया हमने और एक सिरा इस पर रख लिया। अब देखिए तार हमारा ख़राब है, इस पर बीप हमारी नहीं आ रही है, तार ख़राब है तो तार को क्या करेंगे काट के चेक करेंगे इसको। तो यहाँ हमने देखिए इसको ऐसे रख दिया और उसके बाद हमने कटर ले लिया और कटर को लेके यहाँ से हम कहीं से भी काट सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम काट लेते हैं इसको, यहाँ से हमने इसको काट लिया। अब काटने के बाद एक टुकड़ा जो हमारा है इसको हम यहाँ से साइड थोड़ा सा यहाँ छील लेंगे, अब हमने छील लिया यहाँ से। उसके बाद देखिए ये दो सिरे को यहाँ से चेक करेंगे, एक इस पे रख लिया और एक इस पर रख लिया हमने, तो देखिए बीप हमारी आ रही है, ये तार हमने काट के चेक कर लिया। तो यहाँ देखिए जो ख़राब तार था इसमें कहीं बीच में कट था उसको हमने काट के साइड निकाल दिया, जैसे कोई कोई दिखाई देता है कोई दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ बीच से जो है कहीं से फॉल्ट होता है अंदर से तार तो नहीं आएगा बीप, देखिए इसमें बीप आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग तार को चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया तार डायोड यहाँ चेक करने का। अब जो है एलईडी बल्ब, जैसे जो छोटा बल्ब हो गया बल्ब भी इस पर चेक करते हैं, तो चेक करेंगे बल्ब। तो अब देखिए हम एक एलईडी बल्ब ले लिए छोटा, जो टॉर्च में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये बल्ब हमने ले लिया, तो इसको ले लिया। तो यहाँ पे हम देखिए एक
यहाँ पे रखेंगे और एक सिरा यहाँ पे। तो देखिए ये बल्ब हमारा जल रहा है। इस तरह से आप एलईडी बल्ब को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा अगर ख़राब रहेगा तो ग्लू नहीं करेगा ये, और अच्छा रहेगा तो देखिए ग्लू करेगा। तो देखिए हमारा ये ग्लू कर रहा है, हमने बजर मोड पे सेट कर लिया है। बीप जिस पे आती है देखिए यहाँ पे हमने, ये देखिए जल रहा है हमारा बल्ब। तो इस तरह से इस पर आप एलईडी बल्ब को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे सेट करेंगे तो यहाँ जो होता है हमारा, इसका सिस्टम हमारे पास नहीं है चेक करने के लिए, और ये एच एफ ई लिखा हुआ है। तो एच एफ ई पर भी इसको भी यहाँ पर से चेक करते हैं। तो इसका इसको छोड़िए, आगे जो 10 एम्पियर लिखा हुआ है इसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे 10 एम्पियर जो है लिखा हुआ, तो इसमें हमारा जो एम्पियर वोल्टेज चेक करना होता है, जैसे एम्पियर वोल्ट हम चेक करेंगे तो जो हमारा 10 एम्पियर तक ही हम चेक करेंगे। तो ये जो है हम इसको यहाँ से निकाल के इस पर लगा लेंगे, इस पर लगा कर चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 एम्पियर मैक्सिमम, इसको 10 सेकंड तक बस चेक करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक इसको चेक करना है। उससे अधिक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ तक, अब एम्पियर तक। उसके बाद अब आ लीजिए यहाँ पे जो ये एम्पियर है 2000U 20M 200M। तो इस पर देखिए हमारा जो डीसी वोल्टेज का एम्पियर होता है, यहाँ से डीसी वोल्टेज का एम्पियर यहाँ से चेक होगा यहाँ तक ये डीसी एम्पियर। मेरे पास थोड़ा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, वो सिस्टम मेरे पास नहीं हो पाया है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये एम्पियर जो है यहाँ डीसी एम्पियर चेक करते हैं और यहाँ वोल्टेज के चेक करते हैं। यहाँ ये वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ से, यहाँ जो हमने बताया, और यहाँ पर ये डीसी एम्पियर हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़िए, आगे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वोल्टेज 200 V। तो देखिए वी और सिंबल बनाया, यहाँ बिजली का वोल्टेज चेक होता है, यहाँ बिजली का वोल्टेज चेक होता है। और जो ये सिंबल बना हुआ है NPN और PNP, तो NPN PNP यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारा PNP और NPN ये चेक होता है। तो जैसे देख लीजिए हमारा एक ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इस पर चेक होगा 547, दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से देखिए इस पर ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसमें लगा के, ये जो सिंबल है देखिए ट्रांजिस्टर चेक करने का, तो यहाँ ट्रांजिस्टर ऐसे चेक करेंगे। अगर ये नहीं बता रहा है तो इसको फिर पलट लेंगे इस साइड, तो यहाँ देखिए इस पर नहीं बता रहा तो फिर इस साइड से देख लेंगे। तो इस पे देखिए ट्रांजिस्टर चेक होगा, जो NPN और PNP होता है, दो तरह का इस पे देखिए दिया है, जो कि EBC और EBC ये दोनों तरफ। यहाँ अगर नहीं बता रहा है तो इसको पलटी मार के इधर उधर चेक कर लेना, चाहे पलटी मार के बदल के चेक करना है तो जो भी वैल्यू होगा इस पर दिखाई देगा आपको। ये ट्रांजिस्टर हो गया। और उसके बाद हम AC वोल्टेज पे आते हैं। जो हमारा AC वोल्टेज बिजली का होता है दोस्तों, इस पर बिल्कुल सावधान रहिए। ये AC वोल्टेज जो होता है तो इस पर बहुत सावधानी पूर्वक आप मल्टीमीटर को इस्तेमाल करिए, नहीं तो मल्टीमीटर आपका ख़राब हो सकता है और आपको
बिजली का शॉर्ट भी लग सकता है। तो इसको आप बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको, नहीं तो आपका मल्टीमीटर सेकंड भी नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा अगर आप असावधानी बरतते हैं तो। तो इस पे देखिए हम एसी वोल्टेज चेक करना होगा हमारा, तो यहाँ देखिए 200 वोल्टेज, 200 के अंदर में, यहाँ देखिए जो 200 दिया है 200 के ही अंदर में वोल्टेज को चेक करना है। अगर 200 से अधिक होगा तो वोल्टेज हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसको हम चेक करना, हमको बिजली को, बिजली वोल्टेज को चेक करना है, तो हम 750 वोल्ट जो लिखा हुआ है इस पर हम 750 वोल्ट पर चेक करेंगे, तो हमारा 150, 200, 250 जो भी होगा उससे दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर 200 पे होगा, अगर मान लीजिए हमारा वोल्टेज 250 है, तो हमारा मल्टीमीटर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ 750 पर सेट कर लेंगे, इस तरह से देखिए 750 पर हमने सेट कर लिया है, ये 200 पे था और ये 750 पे। अब हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो दोस्तों एसी वोल्टेज चेक करने से पहले आप लोग ये ध्यान दे दीजिए कि देखिए यहाँ से हमारा वायर कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ये जो अंदर का वायर होता है ये दिखाई नहीं देना चाहिए कहीं से कटा नहीं, क्योंकि नहीं तो आपको शॉर्ट लग सकता है, बिजली का शॉर्ट लग सकता है, तो इससे सावधान रहें। और यहाँ की जो है ये भी है, ये जो पिन हमारी है यहाँ इसकी मल्टीमीटर की, इसे पूरी तरह से चेक करके तभी एसी वोल्टेज में आप लगाएं। तो ये देखिए हम यहाँ से इसको बदल लेंगे एसी वोल्टेज में, क्योंकि अगर असावधानी बरतेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा एम्पियर चेक करने का था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ निकाल के इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे और एसी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। दोस्तों चेक करने के लिए हम एक बिजली का बोर्ड ले लेते हैं, ये हमारा बिजली का बोर्ड हो गया और इसकी सप्लाई हम चालू कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारे बिजली बोर्ड में कितनी सप्लाई आ रही है। तो यहाँ हमने बिजली को चालू कर लिया इस बोर्ड में और मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे एसी पर हमने चेक सेट किया हुआ है। देखिए अब उसके बाद यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखिए दोस्तों बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा तार कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, कटा नहीं हो, नहीं तो शॉर्ट लग सकता है, इससे बिल्कुल सावधान रहें। तो ये देखिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ एसी वोल्टेज, यहाँ हमने बटन को ऑन किया हुआ है और यहाँ देखिए हम इस पर लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा हमने लगा दिया, तो देखिए इस पर हमारी सप्लाई कितनी आ रही है एसी वोल्टेज, 200 देखिए 13, 14, 10, 15 इतना नहीं, यानी 225 के करीब हमारा वोल्टेज आ रहा है, यानी देखिए पॉइंट घट बढ़ रहा है जो ये 15, 16, तो 214, 15, 16 जो आ रहा है पॉइंट, इतनी हमारा बिजली की सप्लाई हमारे बिजली बोर्ड में हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज चेक करने के लिए सावधानीपूर्वक 750 वोल्ट पर सेट करके तो सावधानीपूर्वक चेक करें। तो देखिए इसको हमने चेक कर लिया और उसके बाद यहाँ से ऑफ करके बोर्ड को साइड में रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये रहा हमारा डिजिटल मल्टीमीटर चलाने का तरीका, और देखिए इसमें यहाँ से हमने बता ही दिया और इस पर अब ये हमारा मल्टीमीटर यहाँ ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ ऑफ लिखा हुआ देखिए, तो ये हो गया हमारा डीसी वोल्टेज चेक करने का सेक्शन, डीसी वोल्टेज चेक करने का यहाँ सेक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ रजिस्टर चेक करने का यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा डायोड और कंटिन्यूटी चेक करने का, जैसे एलईडी बल्ब चेक करने के लिए ये हमारा हो गया, ये सिंबल दिया हुआ है, और यहाँ पे हम जो है इसको सेट करके यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ ट्रांजिस्टर लगा के चेक करेंगे और इसको यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से देखिए, तो यहाँ से ट्रांजिस्टर चेक हो जाएगा। अब उसके बाद मल्टीमीटर को हमने ऑफ कर लिया है। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, और आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।